हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अशोका बायोलॉजी। माई सेल्फ अमित तिवारी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में आज हमारा नया चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब तक हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट तक डिस्कस कर लिया है। आई क्वेश्चन नंबर वन, ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम इज स्टेन्ड फर्स्ट विद सेफ्रनिन। एक स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन को पहले स्टेन करते हैं, फर्स्ट स्टेन करते हैं सेफ्रिनिन से, एंड देन फास्ट ग्रीन से करते हैं। तो जब इसको फास्ट सेफ्रिनिन से करेंगे तो ये आपको रेड कलर देगा, और ये जो रेड कलर देगा दिस पार्ट इज जाइलम। और जब भी इसे फास्ट ग्रीन से स्टेन करेंगे तो ये ग्रीन कलर देगा, और ये जो देगा वो फ्लोएम के लिए होगा। तो आपका व्हाट वुड बी द कलर बाय स्टेन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, तो आंसर आपका हो जाएगा रेड एंड ग्रीन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अगर आप सेकेंड क्वेश्चन देखें तो इसमें मैचिंग का सवाल दिया हुआ है। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम विलो। जो नीचे दिए गए आपके पास कॉलम हैं उनको मैच कराइए और फिर करेक्ट आंसर की बात करिए। तो जब भी आप मैचिंग करते हैं दोनों रोज को अच्छे से देखना होता है, और ये काफ़ी ईजी हो जाता है क्योंकि कोई ना कोई क्ल्यू आपको सवाल में मिल जाता है। तो आइए देखिए करके देखते हैं। मेरिस्टम, अगर आप मेरिस्टम की बात करेंगे तो जो मेरिस्टम होता है इसकी सेल्स डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, तो आप ए को थर्ड से मैच करा सकते हैं। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, पैरेन्काइमा, जब भी आप पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा पढ़ते हैं तो तीनों के फंक्शंस अलग अलग दिए हैं। पैरेन्काइमा का जो फंक्शन होता है प्राइमरली फोटोसिंथेसिस, या साथ ही साथ स्टोरेज भी, स्टोरेज मुख्य फंक्शन होता है। कोलेनकाइमा का जो फंक्शन मेनली होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन ये मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है यंग पार्ट में। तो पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा जो हो जाएगा ये फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज। तो अगर आप इसमें चेक करेंगे तो आपका जो बन क्या आएगा वो वन। ओके, कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट, लेकिन याद रखिएगा ये मैकेनिकल सपोर्ट यंग पार्ट को सिर्फ करता है, यंग पार्ट कुछ भी आप उसमें काउंट कर सकते हैं। तो सी का सेकेंड, अब सी का सेकेंड में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरिड एंड फाइबर, डेड टिश्यू होता है, तो डी का फाइव। ओके, ई इपिडर्मल टिश्यू, जाहिर सी बात है स्टोमेटा, तो ई का फोर। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो सेकेंड, बेहद आसान सवाल है, मैचिंग से हो जाता है। तो मेरिस्टम एक डिवाइडिंग टिश्यू है, पैरेन्काइमा से जो आपका है ये स्टोरेज के लिए, कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट के लिए लेकिन प्राइमरली फोटोसिंथेसिस करता है, स्क्लेरेन्काइमा ये सपोर्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे स्क्लेरिड ऑप्शन में दिया हो तो इसलिए करेंगे। तो फिलहाल जो आपका आंसर निकल के आया वो बी यहाँ का निकल कर आया। थर्ड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, अगेन मैचिंग सेम पैटर्न अख्तियार करेंगे जैसे इसके पहले किया है, इजली सवाल का आंसर निकल के आ जाएगा। तो पहले दोनों रोज के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं देन सॉल्व करते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट रोज में आपके पास सबसे पहला दिया हुआ है क्यूटिकल। अब क्यूटिकल के बारे में कुछ तो आपको आइडिया होगा, ये एक वैक्सी लेयर होता है जो कहीं ना कहीं वाटर ट्रांसपिरेशन को थोड़ा सा कम करता है। ओके, तो क्यूटिकल का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड, मार्क कर लीजिएगा, क्यूटिकल इज फॉर द थर्ड। तो ए का जो हो जाएगा अगेन फॉर थर्ड। ओके, बलीफॉर्म सेल्स, ये लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल होती है, लार्ज इम्पटी कलरलेस है, ग्रासेस में मेनली पाई जाती है। स्टोमेटा, स्टोमेटा गार्ड सेल आपने पढ़ा होगा, तो स्टोमेटा में आपको गार्ड सेल मिल जाएगी। तो फर्स्ट आप फंक्शंस वगैरह आप अच्छे से जानते हैं। इपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड, तो क्यूटिकल वैक्सी लेयर है, वलीफॉर्म सेल इम्पटी कलरलेस, इपिस्टोमेटा गार्ड सेल एंड इपिडर्मिस, तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा ए। ए का थर्ड, बी का फोर, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। सवाल आसान होता है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर इज ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, आइडेंटिफाई द टिश्यू सिस्टम फ्रॉम अमंग देम। देखिए यहाँ पे जो सवाल एक्चुअल में है वो जो लेटेस्ट वाला एनसीईआरटी अपडेट है उसमें दिया हुआ है, ये टिश्यू सिस्टम नहीं होना चाहिए, इसको और अच्छे से लिख लीजिए, चेंज कर लीजिएगा, नए में चेंज हो गया है। आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यू,
सिंपल टिश्यू को आइडेंटिफाई करने की बात है। अब हम इसके आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। पहले जो प्रिंटिंग थी वो थोड़ी सी मिस्टेक थी। फ्लोएम ये सिंपल टिश्यू नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है, इस सारे के सारे। तो पैरेन्काइमा इज द सिंपल टिश्यू, आंसर इज ए। आसान सवाल है बट थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग जो थी उसको सही कर लीजिएगा। अगर आपके पास ऐप बिल्कुल अपडेटेड है तो उसमें करो, जरूरत नहीं है करेक्ट करने की। द सेल ऑफ द टिश्यू आर लिविंग एंड शो एंगुलर वॉल थिकनिंग। ये अब आपको वही वाली बात है कि एनसीईआरटी का डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए तो आप इस सवाल को कर पाएंगे। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर लिविंग, मार्क कर लीजिएगा, एंड शो एंगुलर थिकनिंग। जैसे ही लिविंग वर्ड कह दिया तो जाइलम इज स्क्लेरेन्काइमा, ये दोनों ऑप्शन कट गया। वॉल थिकनिंग, दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब हमने भी पीछे पढ़ा था, अगर मान लो एग्जाम में आपको नहीं भी याद रहता है तो लिविंग करके आप जाइलम और स्क्लेरेन्काइमा को कट कर दीजिएगा। मैकेनिकल सपोर्ट से आप आंसर कर सकते हैं बट आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, जब आप इसको चेक करेंगे तो उसकी जो लास्ट में एंगुलर वॉल्स पे थिकनिंग होती है और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करता है। हेमिसेलुलोज और पेक्टिन वगैरह का डिपोजिशन पाया जाता है वहाँ पे। तो फिलहाल अच्छा सवाल है, कन्फ्यूजन स्क्लेरेन्काइमा से हो सकती है, जाइलम से हो सकती है, बट डोंट बी कन्फ्यूज, आंसर शुड बी सी। याद रखें इपिडर्मिस में ऐसी थिकनिंग पाई नहीं जाती है तो किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, इपिडर्मिस या इपिब्लेमा ऑफ रूट इज इक्वेलेंट टू। ये बेहद आसान सवाल है, इसका आंसर आप मार्क कर लें सीधे। इपिडर्मिस, इपिडर्मिस है वो इपिब्लेमा है, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बेसिस है। सवाल दिया हुआ है कि कंजॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व्ड इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ। ओके, चलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हर ऑप्शन के बारे में देते हैं। अगर आप बात करें रूट में तो देखिए, रूट में जो वैस्कुलर बंडल होता है वो रेडियल होता है, चाहे डाइकॉट का हो चाहे मोनोकॉट का हो। तो ये दोनों ऑप्शन तो होने से रहे। अच्छा जी, अब हमारे पास बचा कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। जो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल होगा, मान लीजिए कुछ इस तरीके की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो दिस इज द फ्लोएम एंड दिस इज द जाइलम। अब अगर यहाँ पे कैम्बियम है तो ओपन और कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड। ओके, डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम होता है और कंजॉइंट बोलते हैं, तो कंजॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल आपको मिलेगा डाइकॉट स्टेम में, और मोनोकॉट में कंजॉइंट हो सकता है, बट याद रखें कंजॉइंट के साथ साथ ये क्लोज्ड होता है। तो आंसर शुड बी डी। अच्छा सवाल है, एग्जाम में मिस्टेक हो सकता है, तो 7 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8, अगले सवाल में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड कार कैम्बियम आर फॉर्म्ड ड्यू टू। अब देखिए ये जो बाद में बनते हैं, अगर आपको आइडिया हो तो ये कॉर्क कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर तो पहले बना होता है लेकिन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जो होता है ये बाद में बनता है। तो ये जो बाद में बनता है ये डिफ्रेंसिएशन से नहीं बनता। एक्चुअल में क्या है, ये सेल जो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये डिवाइडिंग सेल है, और ये बनती किस प्रकार की सेल से हैं, परमानेंट सेल से। तो परमानेंट सेल डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो परमानेंट सेल पहले डिवाइडिंग रही होगी, यस बिल्कुल रही होगी, उसने डिफरेंशिएशन किया होगा और अपने आप को परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर लिया। अब ये दोबारा डी डिफरेंशिएशन होता है, डी डिफरेंशिएशन से सेल डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेल डी डिफरेंशिएशन, अच्छा सवाल है याद रखें। तो कॉर्क कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का जो एग्जाम, जो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, डी डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल है, सेल डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फेलोजन एंड फिल्म रिस्पेक्टिवली डिनोट्स। अब ये पेज नंबर 96 पे आप एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी हुई है, बट फिलहाल हम आपको इतनी बात बता देंगे कि फेलोजन और फिल्म, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। तो फेलोजन इज द कॉर्क कैम्बियम, याद रखें फेलोजन इज द कॉर्क कैम्बियम, फेलम इज द कॉर्क,
और यही कॉर्क कैम्बियम कॉर्क को बनाता है, याद रखें कॉर्क कैम्बियम ही कॉर्क को बनाता है। तो फेलोजन का दूसरा नाम कॉर्क कैम्बियम, फेलम का दूसरा नाम कॉर्क, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम होता है फेलोडर्म, और तीनों को मिला के बोलते हैं पेरिडर्म। ये चारों टर्म आपको पता होने चाहिए। तो आंसर शुड बी सेकेंड, याद रखें फेलोजन इज द कॉर्क कैम्बियम एंड फेलम इज द कॉर्क, तो याद रखें सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट इज एपिडर्मिस एब्सेंट। अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी में ऐसी बात लिखित में नहीं करी गई है। चलिए फिलहाल इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए को देखते हैं, रूट टिप एंड शूट टिप। अब अच्छी बात यह है कि रूट टिप और शूट टिप मेरिस्टमैटिक टिश्यूज हैं, मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं, तो यहाँ पे एपिडर्मिस अब्सेंट होगी। क्यों? क्योंकि एपिडर्मिस जो रिजल्ट है, जो बनता है, ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस के बाद बनता है। तो एपिडर्मिस जो बनता है ये डिफरेंशिएशन के बाद बनता है, तो अभी तो ये सेल डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो इसमें एपिडर्मिस अब्सेंट होता है। सवाल अच्छा है, जरूर इसको याद रखें, एपिडर्मिस कहाँ पे अब्सेंट होता है? तो और जगह नहीं अब्सेंट होगा, लेकिन रूट टिप और इसमें होगा, क्योंकि ये मेरिस्टमैटिक हैं, डिवाइडिंग सेल हैं, और अगर ये डिवाइडिंग सेल हैं तो अभी यहाँ पे डिफरेंशिएशन जैसी कोई प्रोसेस नहीं हुई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी सूट एपिकल मेरिस्टम आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन ए ट्विग ऑफ ए प्लांट 4 branches and 26 leaves। देखिए इस सवाल को पढ़ने के बाद आंसर 30 करने का मन करता है, जबकि ऐसा नहीं करना है। जो फोर ब्रांचेस हैं, इन चारों ब्रांच पे एक एक एपिकल मेरिस्टम आपको मिल जाएगा, यानी टोटल कितने मेरिस्टम हो जाएंगे? 4। और लास्ट एक और होगा आपका सूट एपेक्स। तो चार हर ब्रांच पे, यानी हमेशा याद रखें जितनी ब्रांचेस होंगी उतना एपेक्स हो जाएगा, उतना एपिकल मेरिस्टम हो जाएगा, प्लस वन, वन इन द सेंस वो सूट एपेक्स, जिससे और चीज़ें रिलीज आउट होंगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 + 1, आंसर शुड बी 5, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अगला सवाल देखते हैं, ए पीस ऑफ वुड हैविंग नो वेसल्स। अगर आप देखें कि कौन सा ऐसा लकड़ी है, कौन सी ऐसा प्लांट है यहाँ पे जिसमें वेसल्स नहीं होती, अब ये बड़ा आसान सा सवाल हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये देखना है कि कौन सा एंजियोस्पर्म नहीं है, क्योंकि वेसल्स इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो नो वेसल्स की अगर बात करें, एंजियोस्पर्म में वेसल्स पाई जाती है। अब फिलहाल जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें, जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते। तो भैया पाइन जो है ये जिम्नोस्पर्म है, टीक, मैंगो, पाम, ये एंजियोस्पर्म है। तो आंसर शुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है ये, ए प्लांट टिश्यू हैन स्टेन्ड सूट द प्रेजेंस ऑफ हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन इन द सेल वॉल ऑफ इट्स सेल द टिश्यू रिप्रेजेंट्स। अभी हमने पीछे बारे में बात करी थी कि इस प्रकार के डिपोजिशन की जो बात करते हैं वो कोलन कायमा के लिए करते हैं। तो आंसर शुड बी ए, मार्क कर लीजिएगा। फाइबर्स आर लाइकली टू बी अब्सेंट इन, फाइबर्स मतलब क्या? फाइबर्स मतलब स्क्लेरेनकाइमा, फाइबर्स मतलब स्क्लेरेनकाइमा, और स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो सेकेंडरी जाइलम में अब्सेंट होता है। तो आंसर शुड बी बी। ओके, व्हेन वी पील द स्किन ऑफ ए पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव, जब भी हम कभी पोटैटो ट्यूबर के पील को हटाते हैं तो हम पेरीडर्म हटाते हैं, याद रखिएगा हम पेरीडर्म हटाते हैं। इंफॉर्मेशन बेसिस सवाल हैं, आप इन्हें नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 60, अगर आप 60 नंबर पर जाएंगे, तो वेसल लेस पीस ऑफ स्टेम पजिंग प्रोमिनेंट सीप ट्यूब वुड बी, ये अच्छा सवाल है, वेसल लेस पीस ऑफ स्टेम पजिंग प्रोमिनेंट सीप ट्यूब। अब यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है सवाल आपको, पहले तो बात कर रहा है वेसल्स नहीं है, ओके, मन कर रहा है पाइनस करने का, वेसल्स नहीं है लेकिन सीप ट्यूब है, अब ये आंसर नहीं हो सकता।
यूकेलिप्टस नहीं हो सकता, हमें पता होगा, मैं आपको बता दूं कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं एंजियोस्पर्म में जिसमें इन प्रकार की जो आपकी फैमिलीज हैं एंजियोस्पर्म की, इनमें वेसल्स नहीं होती, तो ट्रोकोडेंड्रोसी विंड्रोसी इसमें नहीं होता, तो ट्रोकोडेंड्रॉन इज द आंसर, तो आंसर उस डी, जहाँ पे वेसल्स नहीं होती जबकि सीओ ट्यूब होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स टाइप्स ऑलवेज डिवाइड बाय द एंटी कैनल सेल, तो ये आपको फिर से मैं बोलूँगा, इट्स इन्फॉर्मेशन, एनसीईआरटी के बहुत ज़्यादा बाहर जाना नहीं है। तो इस प्रकार के डिवीजन की हम बात कहाँ सोचते हैं, प्रोटोडर्म में, मार्क कर लीजिएगा प्रोटोडर्म। विच द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन द डाइकॉट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ। अब देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, जब भी हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ में आप अगर बात कर लीजिए हमारा कि वैस्कुलर बंडल है, तो ये हमारा कैम्बियम हो जाएगा, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो प्राइमरी जाइलम जो हमारा है ये और अंदर चला जाएगा सेंटर की तरफ, इसके बाहर हमारा सेकेंडरी जाइलम होगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब ज़्यादा होती है तो प्राइमरी जाइलम सेंटर की तरफ लोकलाइज्ड हो जाता है, याद रखें, और सेकेंडरी जाइलम उसके बाहर बचता रहता है, इसलिए वो फ्लोएम को बाहर निकाल देता है। आप सेकेंडरी ग्रोथ में डिटेल में पढ़ लेंगे। और अंदर की तरफ जो कैम्बियम रिंग होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होती भी है, इसलिए सेकेंडरी जाइलम भी ज़्यादा बनता है। तो फिलहाल जो आपका सेकेंडरी ग्रोथ के समय मेजोरिटी ऑफ द प्राइमरी जाइलम है वो सेंटर में रिटेन हो जाता है, तो आंसर शुड बी ए। तो 16 का आंसर डी, वेंट्रेशी टोकोरंड्रेसी फैमिली की वजह से। 17 का आंसर सी और 18 का आंसर ए। 18 इज द 17 क्वेश्चन में फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए, 16 में भी फैक्ट है, याद होना चाहिए। 18 क्वेश्चन का आंसर जो है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जरूर पूछा जाता है। इट्स ऑल अबाउट फॉर योर एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।